नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं आपका दोस्त अमित महाजन। चुनावों की घड़ी अब काफी नजदीक आ चुकी है और आम आदमी पार्टी अपने चुनावी बिगल फूंक चुकी है। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने अब शुरू कर दिया चंदा लेना भी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जरनैल सिंह की। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने अपनी विधानसभा के क्षेत्र में पड़ने वाले गुजरावाला अपार्टमेंट में मनीष सिसोदिया को आमंत्रित किया और वहां पर शुरू की चंदा यात्रा। जी हां दोस्तों, वहां से उन्होंने लोगों से अपील की आम आदमी पार्टी को वोट करने की और साथ में सपोर्ट करने के लिए वहां के लोगों ने दिया उन्हें चंदा। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट कि क्या कहना है जरनैल सिंह का और वहां पर आए उन लोगों का जिन्होंने दिया आम आदमी पार्टी को चंदा। तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के विकासपुरी इलाके में स्थित गुंजरावाला सोसाइटी में आम आदमी पार्टी का जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि क्षेत्र के विधायक जरनैल सिंह सहित दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी शिरकत की, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के उपलब्धियों को सोसाइटी के लोगों के बीच रखा। तो वहीं सोसाइटी के तरफ से भी आम आदमी पार्टी को 51,000 रुपए का चंदा दिया गया। असली चीज जिस सपने को लेकर आम आदमी पार्टी बनाई थी, एक तो ईमानदारी की राजनीति करेंगे, वो तो 5 साल से दूसरा सपना था एजुकेटेड इंडिया खड़ा करेंगे, राजनीति के जरिए शिक्षित भारत खड़ा करेंगे। ऐसा नहीं है, एजुकेशन पहली बार बात कर रहे हैं, एजुकेशन बहुत लोगों ने बहुत काम किया है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं भाई, 5-10% बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, 90% बच्चों को काम चला हुआ एजुकेशन मिलती है। तो जिन 5-10% बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल गई, उनमें से एक IAS बन जाएगा, एक जज बन जाएगा, एक गूगल में काम करने लगेगा, एक सैमसंग चला लेगा, कुछ कुछ कर लेंगे, लेकिन देश तो 90% भी है। देश कैसे बढ़ाओ, उस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक ही शर्त है कि सारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, सारे बच्चों, वो चाहे गवर्नमेंट में पढ़ते हो, किसी को इतनी अच्छी मिलेगी कि वो छूटते नासा में जाएगा, किसी को इतनी अच्छी मिलेगी वो छूटते कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हर बच्चे को इतनी मिलेगी, लेकिन मिनिमम गारंटी की तो मिले, इतनी तो मिले, इतनी क्वालिटी की एजुकेशन तो मिले, जो बच्चा ग्रेजुएशन करके निकले, PhD करके निकले, वो इस टाइम तो बने कि जब 8वीं पास की सरकारी नौकरियां निकल रही हो तो उसमें लाइन लगाते। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से अपनी चुनावी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अभी से शुरू कर दी है अपने चुनाव प्रचार का कार्यकाल, जबकि बाकी पार्टियां अभी भी बहुत पीछे हैं। आज के प्रोग्राम के विषय में क्या कहेंगे जनरल जी आप? यहाँ गुजरावाला सोसाइटी में एक जनसंवाद हुआ है और बहुत देर तक लोगों ने उसको सुना। माननीय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, सबके फेवरेट शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर आए और लोगों का जो रुझान था, जो लोगों का उनके प्रति रिस्पॉन्स था, वो अपने आप में बहुत शानदार था। लोगों ने बड़ी खुशी के साथ उनके साथ संवाद किया और वो भी बड़े खुश होकर यहाँ से गए हैं कि एक परिवार की तरह एक रिलेशन बन चुका है। हर दिल्लीवासी से हर आदमी अपने आप को कनेक्ट करता है, क्योंकि VVIP MLA साहब वाला कल्चर ख़त्म हो चुका है, मिनिस्टर साहब वाला कल्चर ख़त्म हो चुका है। अब चाहे मिनिस्टर हो चाहे विधायक हो, सबको किसी को भाई के जैसे लगते हैं, किसी को बेटे के जैसे लगते हैं। तो एक बहुत खुश मिजाज माहौल के अंदर ये मीटिंग हुई है और लोग आप देख रहे हैं सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है, उसका यही कारण है। जनरल जी, एक सवाल का जवाब और दें कि आपने OP बब्बर के बेटे, BJP के नेता OP बब्बर के बेटे राजीव बब्बर को 20,000 वोटों से हरा के आपने जीत दर्ज की है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी तिलक नगर की जनता आपको फिर से जीत दिलाएगी? जी, मैंने नहीं हराया, ये तिलक नगर की जनता नहीं हराया। पहली बार चुनाव लड़ा था तो वो 2,000 वोटों से हारे थे, दूसरी बार लड़ा था तो वो 20,000 वोटों से हारे थे, और जब दूसरी बार चुनाव लड़े थे तो सिर्फ हमारे हाथ में घोषणा पत्र था। लोगों ने 49 दिन की 2013 की सरकार का ट्रेलर देखा था और एक सिर्फ विश्वास था कि ये लोग अच्छा काम करेंगे। आज घोषणा पत्र के साथ साथ 100 में से 110 नंबर वाला रिपोर्ट कार्ड भी हमारे साथ है और बाकी जनता का आप मिजाज देख ही रहे हैं। अब BJP जैसी पार्टियों को टेंशन हुई पड़ी है, कोई मुद्दा ही नहीं बचा कि किस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी से सवाल किया जाए। हर मुद्दे पर, जैसे बिजली हाँ पानी माफ़ का नारा लगाया था तो 200 यूनिट तक बिजली 10 कदम आगे बढ़ते हुए माफ़ की है, और आप देख ही रहे हैं बाकी दिल्ली की जनता आने वाले समय के लिए तैयार है। जनरल जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कौन लोग इसके प्रति जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और ये गलत टाइमिंग थी, जिस टाइम पे देश जूझ रहा है बेरोजगारी से, महंगाई से, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। मैं नहीं समझता इस टाइम पे ऐसा कोई बिल लाने की जरूरत थी। थैंक यू, धन्यवाद। आज आपने आम आदमी पार्टी को कितना डोनेट किया है? 51,000 रुपया दिया है हमने अपने गुजरावाला सोसाइटी की ओर से,
सरदार जनरल सिंह जी ने हमारे सोसाइटी के लिए बहुत काम किया है। क्या काम किया है? उन्होंने हमारी सोसाइटी में सड़कें नई सड़क सारी अंदर चार दीवारी के अंदर की जो सड़कें हैं वो नई बनवा दी। जो सोसाइटी के अंदर आगे पीछे खाली जगह थी वहाँ धूल मिट्टी थी, वहाँ उन्होंने इंटरलॉक टाइलें लगवा दी। हमारा जो नीचे का हाल है उस हाल को उन्होंने कम्प्लीटली रिनोवेट करवा दिया। क्या आज से पहले की सरकारें ये सब काम नहीं करवाती थी? नहीं, कोई सरकार किसी ने पहले काम नहीं करवाया, क्योंकि वो यही बोलते थे कि अंदर का काम हम नहीं कर सकते। तो हमने जब जनरल सिंह जी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम ये मसला उठाएंगे अपने विधानसभा में और इसको पास कराएंगे। कि जब हम लोग, हमारा कहना ये था कि जब हम उतना ही टैक्स दे रहे हैं जितना डीडीए के लोग देते हैं, तो फिर हमारे अंदर हाउस टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स वही है, तो हमारे अंदर सोसाइटी में काम क्यों ना हो। क्योंकि एक दीवार बना दी हमने अलग करने के लिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें सुविधा ना मिले। इससे पहले कभी आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है? नहीं, पहले नहीं किया किसी पार्टी। चुनावों की ज़्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया के साथ। नमस्कार।